नमस्कार आदाब दोस्तों, मैं साइमुल हसन, आप देख रहे हैं 24 न्यूज एसटी बाय द सच का। इस समय हम आपको इंसानों द्वारा बनाया हुआ जो पुल है उसको दिखाने जा रहे हैं। और इससे पहले हम पुल दिखाने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे, ये पीछे हमारे जो बिल्डिंग दिखाई दे रहा है, ये बिल्डिंग नहर विभाग की बिल्डिंग है। और यहाँ अंग्रेजों के जमाने में जनरल डायर यहाँ पर आया करते थे और यहाँ पर रुकते भी थे। और हम जिस तरीके से हमारे सहयोगी हैं उनसे कहना चाहेंगे, ये जो नहर जो है इसका आप दिखाएं जिस तरीके से, इधर कैमरा इधर को करें। और बहुत ही सुंदर एक जिस तरीके से प्रकृति के द्वारा दृश्य दिखाया जाता है, वैसे ही यहाँ बहुत सुंदर दृश्य। और यहाँ 7 धाराएं, 1 2 3 4 5 6 7 7 धाराएं हैं। और 7 धाराएं जी एक जिस तरीके से आपको दिखाई दे रहा है, बहुत सुंदर ही दृश्य है। और 7 धाराएं सुंदर दृश्य जिस तरीके से दिखाई दे रहा है, हम आपको दिखाने की पूरी पूरी कोशिश कर रहे हैं। आप देख रहे हैं जिस तरीके से पूरा जो सुंदर दृश्य है ये दिखाना चाहेंगे। इधर थोड़ा कैमरा पर्सन से कहेंगे इधर दिखाए, बहुत ही सुंदर दृश्य है आपको दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर जो नहर विभाग द्वारा जो बनाया गया है पुल और 7 धाराएं जो निकल रही है, वाकई में एक पर्यटक स्थल बोला जाए तो इसे कम नहीं है। क्योंकि यहाँ पर जो लोग आते हैं और यहाँ आके लोग बाग देखते हैं जिस तरीके से हम दिखाना चाहेंगे इधर से, पूरा बना हुआ है ये। क्योंकि अभी पानी जो है, बारिश का मौसम चल रहा है, बारिश चल रही है और पानी जो है चल रहा है। और ये देखिए, ये लगा दिया है, ये मछुआरे जो होते हैं मछली पकड़ने वाले होते हैं, इन्होंने ये वो लगा दिया है पल्ली टाइप की, जो भी मछलियां जो है उठक कर इसी में गिरेंगी जिस तरीके से आपको दिखाई दे रहा है। और एक बार हम फिर से कहना चाहेंगे कैमरा पर्सन से, ये दिखाए हमारे सहयोगी मौजूद हैं, यह कितनी सुंदर धाराएं हैं जिस तरीके से आपको दिखाई दे रहा है। और यहाँ का हम आपको पता एक बार बता देते हैं, यह सौरिक और खरनी रोड पर पड़ता है। सौरिक और खरनी रोड है जो वो नहर है, और ये कंसुआ की 7 धाराएं बोली जाती हैं। और ये कानपुर ब्रांच जिस तरीके से वो लिखा हुआ है, ये जो नहर है ये कानपुर ब्रांच की नहर है और यह बड़ी लंबी नहर है। और इस नहर से लगभग 1000 नहरें निकाली गई हैं जिस तरीके से आपको दिखाई दे रहा है, बहुत ही सुंदर दृश्य। और यहीं पर ये दिखाई दे रहा है आपको, ये बिल्डिंग दिखाई दे रही है, बिल्डिंग जो जनरल डायर जो यहाँ पर जो अंग्रेज आते थे और जनरल डायर जो यहाँ पर रहते थे और रुकते भी थे, बताते हैं यहाँ के स्थानीय लोग। इस तरीके से आपको दिखाई दे रहा है सामने, इस तरीके से हमने यह कंसुआ की 7 धाराएं दिखाई जिस तरीके से बनाई गई है, वो काबिले तारीफ है। हमारे साथ यहाँ के स्थानीय एक और व्यक्ति खड़े हैं, क्या नाम है आपका? हमारा नाम है विनोद सिंह राजपूत। विनोद सिंह राजपूत जी, इसका कुछ इतिहास बताएं। इसका क्या इतिहास बताया जाए, इसका पानी बहुत गहरा है यहाँ, कोई भी गिर जाए बचेगा नहीं। अच्छा,
कुछ लोग आते हैं घूमने के लिए? हाँ, घूमने के लिए बहुत लोग आते हैं यहाँ। जिस तरीके से बिल्डिंग बनी हुई है और इसमें क्या नाम जनरल टायर वगैरह रहते थे क्या? हाँ, सब लोग रहते थे, बहुत बहुत बड़े अधिकारी रहते थे यहाँ। अब ये टूट फूट गई है ना। अच्छा, देखिए ये बिल्डिंग जो है टूट गई है, जिस तरीके से हमने आपको ये बिल्डिंग दिखाई और यहाँ पर हम खड़े हुए हैं, यह क्या बोला जाता है? नहर विभाग। नहीं, कहाँ पर हम खड़े हुए इस समय? ये कन्नौज जिला की नहर है, ये कंसुआ की झाल है। कंसुआ की झाल बोली जाती है। और यहाँ आप लोग आइएगा, बहुत ही सुंदर दृश्य है जिस तरीके से हम आपको दिखा रहे हैं। हमारे सहयोगी एहसान अली के साथ सैमुअल हसन की रिपोर्ट कन्नौज से।